बागेश्वर धाम हमेशा से ही किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं इस बार बागेश्वर धाम द्वारा भिंड जिले के दंधरौआ धाम में लगाए गए भूत प्रेत दरबार के कारण सुर्खियों में हैं, क्योंकि इस दरबार में बड़ी संख्या में महिलाएं झूमती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि मंच पर मौजूद धाम के सेवक धीरेन्द्र शास्त्री मंत्र और तंत्र से पीड़ितों को उपाय बता रहे हैं और उनकी बाधाएं दूर कर रहे हैं। हालांकि न्यूज स्टेट इस तरह की तस्वीरों की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है, न ही इस बात की करता है कि ये लोग दरबार में कैसे बेसुध होकर गिर जाते हैं। हालांकि ये तस्वीरें हैरान और आश्चर्य करने वाली जरूर है। तो दंधरौआ में बागेश्वर धाम का जो दरबार लगा हुआ है, इस मौके पर काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, भक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन ये हैरान करने वाली तस्वीर जरा देखिए, कैसे प्रेत दरबार बताया जा रहा है और ये महिलाएं आखिर वहां पर जो आश्चर्यजनक तस्वीर देखने को मिली है, बेसुध महिलाएं नजर आ रही हैं, वो गिर जाती हैं और इस मौके पर तंत्र मंत्र की विद्या भी देखने को मिलती है। हालांकि न्यूज स्टेट इसकी पुष्टि नहीं करता। वही बागेश्वर धाम महंत धीरेन्द्र शास्त्री की दंधरौआ धाम में हनुमंत कथा चल रही है। कथा में प्रतिदिन 3 लाख से अधिक भक्त कथा सुनने पहुंच रहे हैं। कथा सुनने आए भक्तों के लिए विशाल भंडारे का प्रतिदिन आयोजन किया जा रहा है। भंडारे के लिए बनने वाले पकवान किसी भगौने और चम्मच से नहीं बनाए जा रहे, बल्कि इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं। मिक्सर में आटा गूंदा जा रहा है और जेसीबी मशीन से सब्जी चलाई जा रही है। रोजी यहां लगभग 1 लाख लोगों का भंडारा हो रहा है। दरअसल 14 नवम्बर से दंधरौआ धाम में ईश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है। इस कथा को सुनने के लिए न केवल भिंड जिले के बल्कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी सांध्य समाचार में खबरें जारी रहेंगी।